आज हम एक ऐसे लेटेस्ट स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूब चुका है। और ये कोई ऐसा वैसा स्कैम नहीं है, ये आपके रिलेशंस को खराब कर देगा। आपने अभी तक जो भी रिस्पेक्ट कमाई थी वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी और आपके परिवार में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी और ये लोग आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या बेरोजगार हो या किसी गाँव से आते हो और आपकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। क्योंकि जो स्कैम मैं आपको बताने वाला हूँ उस स्कैम में ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है। दोस्तों, आज हम जिस लेटेस्ट स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है MLM। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो आज बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूब चुका है। और इस वीडियो का केवल एक ही पर्पस है, आगे किसी भी पर्सन का पैसा ना डूबे। तो दोस्तों, अगर आप सच में सीरियस हो और अपनी गरीबी में आटा गीला नहीं करना चाहते हो तो बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए पहले MLM के बारे में समझते हैं, आखिर MLM है क्या। MLM यानी डायरेक्ट सेलिंग या फिर कहें नेटवर्क मार्केटिंग, और गांव की भाषा में कहें तो एक के ऊपर एक लोगों को जोड़ने वाली संस्था, और जिसमें 99% लोगों का पैसा डूबता ही है। अब पैसे कैसे डूबते हैं इसे भी समझ लेते हैं। अब मान लो MLM में कोई भी बंदा जुड़ा है, अब वो अपने नीचे जितने भी लोगों को जोड़ेगा पहले तो वो पैसा कंपनी के पास जाएगा, फिर कंपनी उसे हर बंदे के हिसाब से कमीशन देगी। इस पॉइंट को तो आप इतने में ही समझ गए होंगे, इसीलिए इस पॉइंट को अभी यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अब ये समझते हैं आखिर लोग MLM में जुड़ते कैसे हैं और आखिर कैसे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। कोई भी बंदा MLM में जुड़ा है, अब वो पैसे कमाने के लिए किसी ना किसी को तो बकरा बनाएगा ही, फिर वो कुछ भी करके किसी ना किसी को ढूंढ ही लेगा, फिर वो MLM के बारे में उस व्यक्ति को बताना शुरू कर देगा। और ये MLM वाले आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि आप एक दिन में ही सोचने लगोगे कि आप करोड़पति बन सकते हो। और जो बंदा आपको MLM में जोड़ना चाहता है वो आपको कुछ दूसरे लोगों से मिलवाएगा जो अपना नकली बैकग्राउंड लेकर वहाँ पर बैठे होंगे, फिर वो आपको अपनी स्टोरी बताएंगे कि जब वो MLM से नहीं जुड़े थे तब उनकी हालत कैसी थी, और बोलेंगे जब मैं MLM से नहीं जुड़ा था तो मेरे पास ना अच्छा घर था, ना पैसा था, ना गाड़ी थी, ना कुछ भी था। यहाँ तक कि हमारी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब थी कि हम दो टाइम का खाना भी सही से नहीं खा पाते थे, और जब से मैं MLM में जुड़ा हूँ तब से मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। आज मेरे पास गाड़ी भी है, अच्छा घर भी है, पैसा भी है, जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो MLM की वजह से ही हूँ। तो आप भी अपना टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जल्दी MLM को ज्वाइन करो, जिससे आप भी मेरी तरह अमीर बन सकें। इस तरीके से आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे और इस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा कि आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात घूमती रहे कि आपको भी MLM में जुड़ना है। फिर भी आप एक बार के लिए मना कर देते हो तो आपके पीछे चार लोग और खड़े होंगे जो आपको मोटिवेट करने के लिए तैयार होंगे। इस बार वो आपको इमोशनली मोटिवेट कर ही लेंगे और आप MLM ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाओगे। जब तक आप लोग कुछ समझ पाओ तब तक वो आपको पीछे से धक्के देते ही रहेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी MLM में ज्वाइन हो जाओ और आप किसी भी तरह 30-35 हजार रुपए इकट्ठा कर MLM को ज्वाइन कर लेते हो। और जब आप MLM को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। जिन लोगों ने आपको पहले बताया था कि आप इससे पैसे भी इनकम कमा सकते हो, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिंपल सा फंडा है, अगर रुपए कमाने हैं तो अपने नीचे लोगों को जोड़ना ही होगा। 2-4 हजार रुपए की बात हो तो एक बार के लिए लोग इसमें जुड़ने के लिए सोच भी लेंगे, लेकिन 30-35 हजार रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन जिन लोगों ने इसमें 30-35 हजार रुपए लगाए हैं उन्हें तो अपने रुपए निकालने ही होंगे। अगर नहीं निकालोगे तो घर में करोड़ों गालियां सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप एक गरीब परिवार से आते हो और एक गरीब परिवार में 30-35 हजार रुपए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ही बड़ा। इसलिए आप भी अपने पैसे रिकवर करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हो। अगर मान लो आप किसी भी तरह 2-3 लोगों को इसमें जुड़वा देते हो जिससे आपका लगभग आधा पैसा रिकवर हो सकता है, लेकिन आपने जिन 3 लोगों को MLM में जुड़वाया है उन 3 लोगों को रुपए कमाने के लिए अगले 9 लोगों को जोड़ना होगा, और अगले 9 लोगों को रुपए कमाने के लिए अगले 27 लोगों को जोड़ना होगा। इसी तरह आगे चलते चलते अगर इसमें 2000 लोग जुड़ भी जाते हैं तो अगले 2000 लोगों को रुपए कमाने के लिए अगले 65000 लोगों को इसमें जोड़ना होगा, और इतने लोग तो किसी गांव में या फिर शहर में भी नहीं होते। अगर सोशल मीडिया पर भी इतने सारे लोग जोड़ने के लिए ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। और ये तो मैंने बहुत ही छोटा सैंपल साइज आपके सामने रखा है, अगर आप इसी को आगे बढ़ाओगे ना तो इतने
सारे लोग पूरे देश में भी नहीं होंगे। तो भाई जब पूरे देश में ही इतने लोग नहीं है तो आगे लोग कहाँ से जोड़ोगे, मंगल ग्रह से लाओगे या दूसरे ग्रह से लाओगे? 99% लोग तो दो तीन लोगों को जोड़ने के बाद ही कोलैप कर जाते हैं, क्योंकि 30-35 हजार रुपए हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। किसी के पास रुपए होते हैं तो किसी के पास नहीं होते हैं, और वो दो तीन लोग भी इसमें बेवकूफ बनने के बाद ही जुड़ते हैं। लोग पागल हो जाते हैं एक एक लोग को जोड़ने के लिए। सोशल मीडिया अपने आसपास के लोगों को सब पर ट्राई कर लेते हैं, लेकिन कोई भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और अगर अपने किसी रिश्तेदार को बहला पुसला कर जोड़ भी लेते हैं तो उनसे बाद में हजारों गालियां खानी पड़ती हैं, और हजारों गालियां खाने के बाद ये लोग कंपनी वालों को बोलते हैं भाई अब हमसे नहीं हो रहा। तो कंपनी वाले सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, तुझ में ही कमी है, तू लोगों को नहीं जोड़ पा रहा, तू मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए तू आगे कुछ भी नहीं कर सकता। MLM में सिर्फ ऊपर के 100-150 लोगों के ही बल्ले बल्ले होते हैं, और नीचे के 99% लोगों का पैसा इसमें डूबता ही है। अब ऊपर के 100-150 लोगों के मजे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके नीचे जितने भी बंदे जुड़े हैं और उनके नीचे भी जितने लोग जुड़े हैं वो अपने पैसे निकालने के लिए किसी ना किसी को तो इसमें जुड़वाएंगे ही, और नीचे जब लोग जुड़ेंगे तो ऊपर वालों के पास तो पैसा आएगा ही, और नीचे जितने भी लोगों का लॉस हुआ है वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और अपने घर में गालियां सुनते रहेंगे, और जिन जिन लोगों को ज्वाइन कराया है उनसे करोड़ों गालियां सुनेंगे। वैसे तो ऐसे स्कैम करने वालों के लिए सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन सरकार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और जब भी ऐसे स्कैम होते हैं तब छोटी छोटी गाइडलाइंस को जारी कर देती है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा सख्त कानून नहीं बनाया जो ऐसे स्कैम के लिए हमेशा के लिए लागू रहे। तो दोस्तों अगर आप जल्दी गरीब नहीं बनना चाहते हो और जल्दी कर्जे में नहीं डूबना चाहते हो, और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ दम है और हमारे देश के युवाओं को ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तो फैमिली मेंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और जहाँ तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो करो।